चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जो कि नैनीताल से मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का वादा किया जा रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और उसके बाद निर्देश जारी किए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, लगातार केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग इस ओर कार्य कर रहा है उत्तराखंड में बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए, और अब इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव ने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की तस्वीर को बदला जाए, खासकर स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सेक्टर की ओर। देखिए, जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये और कैसे बेहतर हो सकती हैं, इस पर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार का भी फोकस है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो समय समय पर उत्तराखंड का दौरा कर यहाँ की स्थितियों का अपडेट लेते रहते हैं और केंद्र में ही बैठ करके मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। और यही वजह है कि अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो श्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड आए थे और दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। इसमें तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारियों ने शिरकत की थी और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए थे। और अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल का दौरा किया और इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जायजा लेने के साथ साथ जो सैनिटोरियम अस्पताल है वहां का निरीक्षण किया और अधिकारियों से यहां की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ साथ अन्य स्थानों की व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जाए और इनकी जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं उनको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, मरीजों को कैसे और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, इस पर फोकस किया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव और उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ये लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात के दिशा निर्देश भी दिए हैं कि शासन स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं, महानिदेशालय स्तर के जो विभाग के अधिकारी हैं वो समय समय पर धरातल पर किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है, किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, कैसे मरीजों का फीडबैक मिल रहा, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, जायजा लेंगे और इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट शासन को भेजेंगे और शासन इसके बाद व्यवस्थाओं में तब्दीली करेगा। तो कहीं कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि केंद्रीय जो स्तर के जो अधिकारी हैं वो उत्तराखंड में पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और राज्य सरकार भी लगातार इसके प्रति तत्परता दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी।